सी ऑप्शन तमिलनाडु। जब मेरे दोस्त इंजीनियरिंग के समय में सूरज अस्त और दोस्त मस्त हो जाते थे तो उस समय एक बड़ा अच्छा रहता था, जैसे ही रंगीन पानी का समझ रहे होंगे आप एक दो घूट उनके अंदर गया उस समय बड़ा अच्छा होता था, फल को वो लोग फ्रूट कहना शुरू कर देते थे। और आप विश्वास करिएगा मैं जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया हूं, आप विश्वास कर लीजिएगा मैं इंजीनियरिंग एमटेक सब किया लेकिन नहीं किया मतलब नहीं, और अगर मैं कभी किया होता तो मुझे कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि भाई किया तो किया उसमें क्या। तो हमारे दोस्तों के लिए दो घूट पीने के बाद फल फ्रूट हो जाया करता था, खाना खाते समय खीरा खीरा ही रहता था जब नॉर्मल डे रहता था, लेकिन वो मेरा मित्र मणि और राजन बाबा वो सब क्या करते थे खीरा भी शाम को फ्रूट हो जाया करता था और मैं खुद उनका वेटर हो जाया करता था। हमको सब बोला आसू वो जरा फ्रूट लाना, तुम के ससुरकार फ्रूट खीरा अभी फ्रूट हो गया ना, अभी थोड़ी देर पहले तक तो खीरा था ससुरा अब वो फ्रूट हो गया है, समझ बड़ा बड़ा नालायकपन है। एक था मेरा मित्र अभिषेक, वो जानते हो जब जैसे ही रंगीन पानी उसके अंदर भाई वो ताजमहल तक बेच देता था, समझ रहे हो ताजमहल तक को बेच देता था बुला के बोलता था ताजमहल भी बेच दिया वो कई बार। एक बार कसम से बता रहे हैं पता नहीं कहां गांव के फोन को लगा के हम लोग के इंजीनियरिंग कॉलेज को बेच दिया था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें हम लोग पढ़ते थे उसी का रेट लगा दिया था। मैं सच बता रहा हूं मैं अभिषेक के उस प्रतिभा का बहुत कायल हूं। अरे यार फोन लगा के नशा करके बात कर लिया, अगले दिन कार से चार लोग आए थे वो प्रॉपर्टी देखने के लिए, डीलर बहुत बड़ा था उसको हम लोग डीलर भैया कहते थे, उसको हम लोग अभिषेक को डीलर भैया कहते थे। डीलर भैया ऐसा डील किए थे चार लोग कार से आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज खरीदने के लिए, बाद में उनको पता चला कि ये जो डीलर भैया है रात में कुछ ऐसा कर लिए थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज ही अपना बेच देंगे सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे मेरी संगति और मेरे दोस्त रहे और आई प्राउड कि ये मेरे दोस्त रहे इनकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग को जिया है, ठीक है। इसलिए हमसे तुम लोग कभी लड़ना मत, बेचवा देंगे घर ताजमहल रहे थे यार उससे ज्यादा क्या चाहिए तुम लोगों को। ये सब खैर ओवरऑल हंसी मजाक के लिए ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं डीलर भैया अगर हमको सुन रहे होंगे ना ऐसा ऐसा आशीर्वाद वाला वचन मेरे लिए, दो दोस्त को क्या क्या बोल रहा है, रहो इसको यार आसू को ये करना चाहिए था। नहीं अब से टेंशन मत लीजिए आपको अभी कोई जानता नहीं है, हम आपको ये वीडियो जरूर दिखाएंगे अब से भैया, देखिए नाम लिखा है डीलर भैया, समझ रहे हैं। तो डीलर भैया थे, खैर ओवरऑल आते हैं अपने मुद्दे पे, लल्ला एक काम जरूर